चलिए आज के लेक्चर का रिवीजन वीडियो। इसमें ना हमने कौन सी चीजें देखी थी, अदर केसेस ऑफ टॉटोमेरिज्म, ठीक है, वन थ्री प्रोटोट्रॉपी के दूसरे केसेस है, कीटोइन और टॉटोमेरिज्म के कुछ और केसेस हमने देखे थे। तो इसमें सबसे पहला जो ये कॉन्सेप्ट, दिस इज इथाइल एसीटोएसिटेट। इसमें क्या है, यहाँ पे इधर कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पे ईस्टर ग्रुप है। इधर क्या है, यहाँ पे ये भी अल्फा हाइड्रोजन था और ये भी अल्फा हाइड्रोजन था, लेकिन ये जो बीच वाले अल्फा हाइड्रोजन है इनकी एसिडिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एच के हटने के बाद जो कॉन्जुगेट ब्रेस बनेगा उसका दोनों तरफ क्या होता है, रेजोनेंस होता है। हालांकि यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन है, बट स्टिल इट गिव्स व्हाट, एडिशनल स्टेबिलिटी। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इधर का हाइड्रोजन हटकर इधर जाएगा, क्योंकि कीटोन में क्या होता है, इनॉल बनाने की टेंडेंसी ईस्टर से ज्यादा होती है। तो इसका इनॉल बनते समय हाइड्रोजन यहाँ से किधर, इस पर जाता है कीटोनिक ग्रुप पर, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा। अभी जो इनॉल बना है इसमें क्या है, यहाँ पे बस पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, रेजोनेंस और साथ में क्या भी हो रहा है, चिलेशन। तो इस वाले इनॉल की स्टेबिलिटी क्या होती है, तो हम बोलेंगे नॉर्मल वाले इनॉल से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल इनॉल जैसे 1% के अराउंड होता है, तो यहाँ पे इनॉल का परसेंटेज जो होगा वो बढ़ जाएगा। हालांकि अभी भी कीटो फॉर्म स्टेबल होता है और इनॉल फॉर्म लेबाइल होता है। इससे वाले कंपाउंड जिनमें क्या होता है, CH2 के आजू बाजू दोनों तरफ क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से CH2 के हाइड्रोजन की एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे वाले जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथिलीन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो इथाइल एसीटोएसिटेट जो होता है ये एक्टिव मिथिलीन कंटेनिंग कंपाउंड का एग्जांपल था। इसके बाद हमने देखा था इट वाज एसिटाइल एसीटोन, इसमें फिर से ये एक्टिव मिथिलीन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसमें क्या बोला था हमने, तो CH2 के हाइड्रोजन, CH2 के जो हाइड्रोजन है इनकी एसिडिटी इथाइल एसीटोएसिटेट से भी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें दोनों तरफ क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, तो नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ होगा। और यहाँ पर क्या भी नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन भी नहीं है। इस वजह से एसिटाइल एसिटोन जो होता है उसमें क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज इनॉल फॉर्म का डोमिनेंस काफी ज्यादा हो जाता है, इवन वो कीटो को भी सुपरसीड कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चिलेशन नहीं है। और इस बार क्या है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, मतलब क्या रहेगा, इट इज नॉर्मल रेजोनेंस भी होता है। तो एसिटाइल एसिटोन में तो इट इज इनॉल फॉर्म डोमिनेंट होता है और कीटो फॉर्म कम रहेगा। इसके बाद फिर ये वाला जो कंपाउंड होता है इसमें यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी, कौन से वाले, इट इज दैट विनाइल हाइड्रोजन जो होते हैं टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे ये वाला हाइड्रोजन तो नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जाएगा और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो जो कीटो फॉर्म होता है कन्वर्ट हो जाएगा किस नाइट्रोजन टू इनॉल फॉर्म। ये इनॉल के साइड एरोमेटिक है, तो इसके एरोमेटिक होने की वजह से इस इक्विलिब्रियम पर लगभग पूरा का पूरा क्या ही रहता है, तो हम बोलेंगे पूरा का पूरा इनॉल फॉर्म ही होता है, यहाँ पर कीटो फॉर्म रहेगा ही नहीं ना, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रहेगा, इसलिए इसको स्यूडो टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा था कि जो ये होता है साइक्लिक कीटोन्स होते हैं, इनमें इनॉल बनाने की टेंडेंसी ओपन चेन कीटोन से ज्यादा होती है, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद फिर एक दूसरी वाला एग्जाम्पल देखा था हमने, इसमें ये वाला विनाइलिक हाइड्रोजन तो टॉटोमेरिज्म में जा नहीं सकता, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटकर किस पर जाएगा, दैट इज ओवर ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन पर आने वाला नेगेटिव चार्ज क्या था, रेजोनेंस में था, इसलिए हाइड्रोजन एसिडिक होगा और हाइड्रोजन यहाँ से हटकर जाएगा किस पर, दैट इज ओवर ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आता है, इलेक्ट्रॉन्स को घुमा देंगे, तो यहाँ भी फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज ओवर फिनॉल। तो ये वाला इक्विलिब्रियम भी ऑलमोस्ट 100% किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्टेड होता है, ठीक है। तो ये क्या था, दिस वॉज 1,5 प्रोटोट्रॉपी का एग्जाम्पल। फिर ये फिनॉल में ओ एच की पैरा पोजिशन पर भी एन डबल बॉन्ड होता है, तो ये ओ एच वाला हाइड्रोजन एन डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पर हम भिजवा देंगे और फिर रेजोनेंस कर देंगे, तो ये बन जाता है। इसमें हालांकि जो नया टॉटोमर बना है उसकी स्टेबिलिटी इससे कम रहेगी, क्योंकि ये एरोमेटिक था। इसके बाद फिर ये साइक्लिक विसिनल डाइकीटोन, मतलब हाइड्रोजन कार्बन पर सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, ये क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे ये भी इनॉल में ऑलमोस्ट 100% कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो कि पाई बॉन्ड हो, लोन पेयर में रिपल्शन काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो इसकी वजह से इनॉल काफी ज्यादा, ये कीटो फॉर्म अनस्टेबल था, तो ये इनॉल में कन्वर्ट होकर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड रिपल्शन अब यहाँ कम हो जाते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड के अंदर रिंग के अंदर शिफ्ट हो गया। इसके बाद फिर ये जो ओपन चेन विसिनल डाइकीटोन है, इनमें कीटो फॉर्म ही डोमिनेंट होता है, इनॉल नहीं, क्योंकि इनमें रोटेशन अलाउड है, तो दोनों सी डबल बॉन्ड ऑपोजिट साइड जाकर क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल को उतना डिस्टेबिलाइज नहीं रहने देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद भी जैसे एल्डिहाइड है, इसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, बट साथ में अल्फा कार्बन पर दो लार्ज साइज के ग्रुप्स भी लगे हुए हैं, तो कौन सी वाली चीज होगी यहाँ, तो हम बोलेंगे स्टीयरिक रिपल्शन की वजह से कीटो फॉर्म काफी अनस्टेबल होता है, क्योंकि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है,
जब ये इनॉल में जाएगा तो यही कार्बन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में, जिसकी वजह से कौन सी वाली चीज हो जाती है, तो बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन यदि रहेगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल्स बढ़ने की वजह से जो लार्ज ग्रुप्स होते हैं ये एक दूसरे से थोड़े ज्यादा डिस्टेंस पर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ पे इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो इससे पहले इनॉल्स को हम निकाल दे आर फ्यूजॉन टाइप ऑफ इनॉल, ठीक है। इसके बाद फिर ये वाला जो कंपाउंड है ये बिगे साइज में, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन देखने पर एसिडिक लगता है, बट इस हाइड्रोजन की एसिडिटी इनफैक्ट काफी कम होती है, क्योंकि हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जो ब्रिज्ड बायसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ब्रिज्ड कार्बन जो होते हैं उनके बीच में सारे सारी जगहों पर क्या रहेगा कार्बन, जैसे ये केस में इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पे कोई भी ब्रिज्ड कार्बन नहीं है, ठीक है। तो इन बायसाइक्लिक कंपाउंड्स में तो क्या हो जाएगा, जो ब्रिज्ड कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज या sp हाइब्रिडाइज हो सकता है, लेकिन जो ब्रिज्ड बायसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें ये वाला जो कार्बन होता है ये sp2 या sp हाइब्रिडाइज कभी भी नहीं हो सकता ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट की वजह से। तो यदि यहाँ से हम हाइड्रोजन हटाते तो कार्बन पर निगेटिव चार्ज आता, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से कार्बन sp2 हो जाता, लेकिन ब्रिज्ड बायसाइक्लिक कंपाउंड्स में ब्रिज्ड कार्बन क्या नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे sp2 या sp हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, इस वजह से हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा नहीं, तो यहाँ टॉटोमेरिज्म होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों जगहों पर तो हाइड्रोजन ही नहीं, समझा गई बात ये, ठीक है। ब्रिज्ड कार्बन पर किसका न रहे किसका sp2 या sp न हो पाना, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेट्स रूल बोलते हैं। वो ब्रेट्स रूल का रीजन हमने क्या बोला है, तो हमने बोला दैट इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक।